कोई अपना लक साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता है। अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है, सी मैं गुजराती हूं एंड वी नो द बिजनेस, एंड बिजनेस का एक ही फंडा है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। सो अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं, इंटरव्यू से पहले एक महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उसे एक वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज टू कम विथ यू, उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप जाके आए एंड ऑल एंड ऑल, तो द सिंपल था कि मैं एग्जाम के लिए निकला, मेंस मेरा था सुबह, GS3 का पेपर था, 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा ओके माई राइट हैंड इज सेफ एंड आई डिसाइडेड आई गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं वहां से उठ के रोने लगूं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया, और हॉस्पिटल जाओ, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सर्वाइव कर सकता हूं, हां कर सकता हूं, मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया। ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। और यही मेरा एटीट्यूड रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, एंड आई सेड नथिंग, क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने में नहीं होता। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बोला है स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। क्योंकि अगर हम दिल्ली में थे, मेरे दोस्त के साथ में निकला बाहर घूमने, तो बोलता है यार ऐसी लाइफ चाहिए, कोई मगजमारी नहीं, आराम से बैठते पूरे दिन एसी वाले कमरे में, बहुत सारे पैसे है और कोई टेंशन नहीं, ऐसी लाइफ चाहिए मुझे। बोला मेरे पास ऑप्शन है, बोलता क्या, बोला देख सामने ATM का रूम दिख रहा है, एसी वाला कमरा है, बहुत सारे पैसे, कोई मगजमारी नहीं, जॉब ले ले, क्यों IAS IPS में दिमाग खराब कर रहा है। अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट लाइफ। जब भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब नंद के राजा धनानंद की डॉटर दूरदराज से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, और तब चंद्रगुप्त बोलता है आचार्य कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर IAS बनने के लिए IPS बनने के लिए सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको IAS IPS मिल जाएंगे। सो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस गेम ऑफ UPSC और MPSC,
Make sure that you have to sacrifice anything which will take you to your goal. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें टेंशन होती है यार, दोस्त की एंगेजमेंट है, उसकी बर्थडे पार्टी है, उसकी शादी है, अटेंड नहीं करूंगा तो बोलेगा मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा एंड ऑल एंड ऑल. लेकिन बिलीव मी, जब आप आईएएस बन जाओगे वो सामने से याद दिलाएगा भाई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा तूने, समझ रहे हो? तो जो कुछ भी इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो वो जब आप उस पोस्ट पे पहुंचोगे सब कुछ वर्थ है, सब कुछ. मैंने जो मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी का, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 23 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, 20 फरवरी को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में एंड बहुत हाई फीवर था तो आईवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था. 1 मार्च को ठीक होके मैंने सोचा चलो दिल्ली निकलते हैं. 2 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा. 3 मार्च को वापस से टॉन्सिलाइटिस का अटैक होने की वजह से फ्लाइट लेके वापस से पालनपुर अहमदाबाद, अगेन हॉस्पिटलाइजेशन. 15 मार्च को आई गॉट relieved from the hospital. 16th of March ko main Delhi pahuncha aur 23rd of March ko I gave my UPSC interview. So, ek mahine ka hospitalization. Uske baad, jab dimag mein ye tha ki mere saath jo log interview de rahe hai, wo ek mahine se preparation kar rahe hai and ek mahine se main hospital mein tha, again I thought, this is the moment to prove yourself. I went to the interview aur pure India mein second highest marks in interview. This is not to say कि मैंने कितना अचीवमेंट लिया. This is just to say यूपीएससी इज ऑल अबाउट दिस. मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी यूपीएससी के लिए, इंटरव्यू के लिए. एंड अगेन आई स्कोर गुड मार्क्स इन इंटरव्यू बिकॉज यूपीएससी सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं करता. मेक इट वेरी क्लियर इन अवर माइंड. जैसे सर ने बोला इट्स अ गेम ऑफ विजडम. आपको पहले ऑफिसर बनना पड़ेगा यहां से. यूपीएससी का काम तो सिर्फ थप्पा लगाना है कि हाँ ये ऑफिसर बन गया. जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को आप मिलोगे यू विल रियलाइज दिस थिंग कि ऑफिसर वाली क्वालिटीज इसमें पहले से है. आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी से समझ लीजिए कि आपकी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई. बिकॉज जो क्वालिटीज आपको चाहिए एज एन ऑफिसर, एज ए आईएएस, एज एन आईपीएस, क्या क्वालिटीज चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, कि जब आप उस सीट पे बैठते हैं आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू हैंडल द इश्यू. ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उस सीट पे बैठना है. यही कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन. डिसीजन मेकिंग, अगर हर एक टॉपिक पे आप हर एक कोई को पूछने जाते हैं भाई इसमें कौन सी बुक पढ़ू, इसमें क्या पढ़ू, इसमें क्या करूं, देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एग्जाम. लोग बोलते हैं कि एक साल में प्रिपरेशन, जैसे मैंने जून 2016 में मैं दिल्ली गया और जून 2017 में मैं अपियर हुआ एंड आई क्लियर यूपीएससी एंड जीपीएससी. पीपल से कि सर एक साल की मेहनत में आपने एग्जाम क्लियर कर दिया. यस, टेबल और चेयर पे बैठ के करने वाली मेहनत एक साल की थी लेकिन उसके पीछे की मेंटल प्रिपरेशन कितनी पुरानी थी. जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब सोचा था कि आईएएस बनना है और तब से मेरी जो जर्नी है, तब से मेरा जो टेम्परामेंट है, तब से मेरा जो एटीट्यूड है वो इसी डिरेक्शन में था. जब कॉलेज में था तब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया, 3 एनजीओ से मैं जुड़ा था. जब लोग सोशल मीडिया व्हाट्सएप और फेसबुक पे बिजी थे मैं वहां स्लम में जाके बच्चों को पढ़ा रहा था. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में यही काम करना है, क्यों ना अभी से उसकी ट्रेनिंग ले लो. सो आई हैव इन्वेस्टेड माई ईच एंड एवरी मोमेंट फॉर दिस गोल बिकॉज जो पर्सनैलिटी टेस्ट लास्ट में यूपीएससी लेता है, इंटरव्यू नहीं है वो, वी कंसिडर इट एज इंट्रोगेशन. इंटरव्यू को इंट्रोगेशन लेके चलते हैं, वहां पे पूछता जोगी नहीं. अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर भी आप सॉरी सर और सॉरी मैम आई डोंट नो कह के देते हैं उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता. इंपैक्ट पड़ता है वो 9 क्वेश्चन न आने का प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं या आप वही टेम्परामेंट के साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं. मार्क्स उस चीज के, मार्क्स है आपकी सोच के. एक ऑफिसर के तौर पे जब आपको आईएएस या आईपीएस की सीट पे बिठाया जाएगा हाउ विल यू ट्रीट द सिटीजंस ऑफ दिस नेशन, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज गोइंग टू कम एंड मीट यू. दीज थिंग्स आर बीइंग टेस्टेड ड्यूरिंग यूपीएससी इंटरव्यू. और इस सारी जर्नी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो दैट इज योर लर्निंग एटीट्यूड, और नॉट फॉर यूपीएससी, फॉर लाइफ इवन. Because when I'm speaking in front of you in Hindi and English,
To be very clear, I belong to rural background of Gujarat. और मेरा स्टडी जो हुआ है वो पूरा गुजराती मीडियम में हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में. 12th तक का स्टडी मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, गुजराती बोर्ड में, गुजराती मीडियम में. एंड येट आई कैन गिव माई यूपीएससी इंटरव्यू इन इंग्लिश इन दिल्ली एंड स्कोर सच मार्क्स. वेयर डिड इट कम फ्रॉम? कहां से आता है ये? मुझे अभी भी याद है, मेरा कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत था, जहां पे मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सारे सीबीएसई आईसीएसई वाले थे, और मैं एज ए एलियन वहां पे पहुंचा था, क्योंकि तब मुझे पता चला कि मैकडी जैसा भी कुछ है और उसमें बर्गर जैसा भी कुछ मिलता है. दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी मेट्रो सिटी. एंड जब मैं उनसे इंटरेक्शन करता था और इंग्लिश बोलने की ट्राई करता था, तो जैसे संजू मूवी में इंग्लिश दिखाया गया है गुजरातियों का, जो जीरो को जीरो बोलते हैं, उसी तरह आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट. मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है, इट्स वेरी ऑब्वियस. सो आई यूज टू स्पीक नोट्स एंड नॉट नोट्स, और डोर एंड नॉट डोर, और डोंट एंड नॉट डोंट. सो दे यूज टू मेक फन ऑफ मी. सफिन, इट्स नॉट डोंट, इट्स डोंट. ओके फाइन. आई हैड टू ऑप्शंस, इधर आई स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश विद देम और इम्प्रूव ऑन दैट एंड गो अहेड. आई डिड डिसाइड द सेकेंड ऑप्शन. When I started my preparation of civil services, जो English medium में करनी थी, वाजीराम में मैंने coaching किया, जहां पर पूरा English medium में था, सारे subjects मेरे लिए नए थे. I started from the scratch. I started from the English medium NCERT of standard 5 and 6, Gujarati dictionary, Gujarati to English dictionary, and then I started my preparation. कभी कभी ऐसा होता था कि द हिंदू का पूरा editorial पढ़ लिया और उसके बाद I was like कि मैंने क्या पढ़ा. ये होगा, सबके साथ होगा. बट उस जगह अगर आप टिक गए, उस जगह अगर आपने पेशेंस रखा, उस जगह आपने अगर सरवाइव कर दिया, तो इस एग्जाम में भी सरवाइव कर जाओगे. क्योंकि यूपीएससी की जो रेस है उसमें कभी भी कछुआ, कभी भी खरगोश नहीं जीतेगा. इसमें जीतने वाला ऑलवेज कछुआ ही होगा, जो स्लो बट स्टेडी रहेगा. लग जाते हैं 5 साल भी, लग जाते हैं 7 साल भी, लग जाते हैं 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए. लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा. आप पढ़िए लोगों के इंटरव्यूज. मैंने क्या किया कॉलेज के 4 साल में, आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी टॉपर्स ऑन यूट्यूब. ईरा सिंगल से लेकर टीना डाबी मैम तक, सबकी इंटरव्यूज मैंने देखे. फॉर वॉट? जस्ट टू नो कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिससे इनको इतना टाइम लग गया, और मुझे कौन सी गलतियां रिपीट नहीं करनी है. क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं ना, वो जल्दी आगे आ जाता है. क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी काफी छोटी है. आई डिड द सेम. 4 साल में हर एक टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, चीजें समझ ली कि ऐसी कौन सी चीजें जो इन सब ने की है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलतियां हैं जो इन्होंने की और जो मुझे रिपीट नहीं करनी है. सो जब युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं, इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, तो अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की प्रिपरेशन के साथ उतरना है कि हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले. आई डिड द सेम. कॉलेज के 4 साल इंटरव्यूज देखे, ब्लॉग्स पढ़े, समझा कि इसमें कॉमन मिनिमम क्या है. वो जो कहानी अगर आपने सुनी हो कि शार्पनिंग द एक्स, रोज अगर आप पेड़ काटने के लिए जाते हैं तो यू हैव टू शार्पन योर एक्स, अदरवाइज डे बाय डे आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी. 4 years इन माय कॉलेज आई शार्पन माय एक्स, जिससे 1 साल में मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े. दिस वाज द स्ट्रेटजी. आज मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज गिव मी योर स्ट्रेटजी. आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने किसी टॉपर्स को पूछा होगा, प्लीज शेयर योर स्ट्रेटजी. व्हाई? हर एक की स्ट्रेटजी अपनी खुद की होती है. अगर आज 990 लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, तो यू विल गेट 990 स्ट्रेटजीज, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ और हर एक की वीकनेस अलग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होके, और कभी डॉक्टर को यह बोला है, सर जो आगे वाले पेशेंट को दी ना, मुझे वही मेडिसिन चाहिए. डिड यू से लाइक दैट? नो, क्योंकि उसकी बीमारी अलग है, मेरी बीमारी अलग है. सेम चीज विद यूपीएससी. आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस अलग है, किसी टॉपर की स्ट्रेंथ और किसी टॉपर की वीकनेसेस अलग है. व्हाई शुड आई वॉक ऑन द सेम पाथ, जबकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए बना ही नहीं. आई हैव टू क्रिएट माई ओन पाथ. मेरा यूपीएससी का जो बुक लिस्ट है वो अगर आप देखेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स
बुक लिस्ट है, मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी। आई नो यूपीएससी फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई नेवर रेड शंकर आईएएस, आई नेवर रेड योजना, आई नेवर रेड कुरुक्षेत्र, आई डिडेंट डू राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। मैंने मेंस में जीएस टू, जीएस थ्री, जीएस फोर का एक एक पेपर, एक एसे और ऑप्शनल का एक एक पेपर लिखा है। दैट्स ऑल अबाउट माई राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज आई न्यू वॉट आर माई स्ट्रेंथ एंड वॉट आर माई वीकनेसेस। मेंस में तीन चीजें होती है, हैंड राइटिंग, स्पीड एंड कंटेंट। When I was so sure about my handwriting and my speed, why should I waste my time on writing the papers? Instead of that, I focused on improving my content. Getting my point? So if you are the aspirant ki jisko lagta hai ki 3 ghante mein mere se paper finish nahi hota, then go for writing practice. Then write as much as you can because you need that. But kisi topper ne 50 paper likhe hai, 3 test series join kiya hai, isliye mujhe bhi karna padega. No, that's not the rule in UPSC. किसी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मैं वहां चला गया, किसी ने वो टेस्ट सीरीज की मैं वहां चला गया। नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ एंड दिस वॉज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई यूपीएससी प्रिपरेशन। सुनो सबकी, करो मन की, दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया, वो मेरे लिए बना ही नहीं है। आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ। गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? सो जो मजदूरी है वो सड़क पे एक इंसान 12 घंटे गड्ढा खोद के भी करता है, और एक टॉप कंपनी का सीईओ भी 12 घंटे दिमाग चला के मेहनत करता है। लेकिन हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन ऑन द रोड? बिकॉज ही यूजेस हिज माइंड। इन यूपीएससी वी आर सपोज टू डू द सेम। मुझे पता चला कि भाई लक्ष्मीकांत मेरी मेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। प्रीलिम्स जैसे सर ने बताया वॉज नॉट इन टू कंसिडरेशन। आई नो कि उसमें सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करना है, एक हर्डल क्रॉस करना है। अगर मैं प्रीलिम्स में 180 भी लेके आया, 190, इवन 200 भी लेके आया, तो मेंस में तो मैं सबके बराबर ही खड़ा हूं। Why to waste your time and energy on something which is just qualifying? Instead of that, put your focus and energy to something, mains and interview, ki jiski wajah se aapko service milna hai. Good marks in mains ensure that you are in the list. Good marks in interview ensure that you get the service of your preference. Prelims is about quality. Mains is about quantity. प्रीलिम्स में ऑलवेज मेरा टारगेट एक ही था, जो भी टेस्ट में देता था, जो भी मैं सॉल्व करता था, आई जस्ट नीड टू क्रॉस 120, दैट्स ऑल। जितना सेफली मैं 120 क्रॉस कर लेता था, आई पुट द पेपर असाइड। क्योंकि आज तक यूपीएससी का कट ऑफ कभी 120 से ऊपर गया नहीं और जाने वाला नहीं है। दैट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड। सो मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम आउटपुट लेना, वो प्रीलिम्स का काम था। एंड उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए। एज सर सेड, there is no separate preparation for prelims. What I did, January tak mains oriented preparation, February se I started test series, Vajira mein January se test series start ho jati hai. I started test series, I started revising the things and then prelims aa gaya, de diya, khatam. Even I am telling you, 27th of April ko mera result aaya, civil service 2017 ka. I got 570 rank, I was sure that I'll get IPS, but again that IAS wali cheez, so form fill up kiya hua tha, I'm like, okay chalo de dete hai. 15-20 दिन तो सेलिब्रेशन में निकल गए, रिजल्ट आया, आईपीएस बन गए, अच्छा है, चलो सही। बाकी बचे थे मेरे पास 1 वीक, 1.5 वीक, जिसमें से मेरे पास पढ़ना, तो पढ़ू क्या? आई टुक विजन 365, जिसमें से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी नॉट विथ फुल हार्ट, यू नो, क्योंकि एक बार जो आपका सेलिब्रेशन चल रहा है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। मैंने जैसे तैसे किया, लेकिन विजन में से इस बार कुछ पूछा नहीं, किसी में से कुछ नहीं पूछा 2018 में तो, बट स्टिल आई क्लियर द प्रीलिम्स बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रिपरेशन। मेरे साथ जिन्होंने 2018 की प्रिपरेशन की थी, जो 12 साल से 18 के लिए जो लड़ रहे थे, दे कुडंट क्लियर द एग्जाम। व्हाई? बिकॉज प्रीलिम्स इज जस्ट अ माइंड गेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे अच्छी बात प्रीलिम्स में यह है कि आंसर आपकी आंखों के सामने है, जो मेंस और इंटरव्यू में नहीं है। सो इट्स द मोस्ट सेफेस्ट गेम। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रिक विच यूपीएससी फॉलोज, वेर इट कैन मिस गाइड यू। तो अगर आपने यूपीएससी के पिछले 15-20 साल के पेपर आपने देख लिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे गड्ढा है।
अगर यूपीएससी ने इस टाइप का स्टेटमेंट रखा है तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस. बट होता यह है कि हम विजन वाजीराम की टेस्ट सीरीज करके जाते हैं, हमारा माइंडसेट उस हिसाब से बन गया है, एंड देन वी ट्राई टू अटेम्प्ट यूपीएससी. सो मेरा स्ट्रिक्टली एक ही चीज आपको कहना है कि अगर आपका प्रीलिम्स जून में है तो मिड ऑफ मे तक सारी टेस्ट सीरीज खत्म कीजिए. लास्ट 15 डेज में सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स कीजिए, तो आपका जो माइंडसेट है वो यूपीएससी एंगल से सेट हो जाएगा. फिर यू विल नॉट टारगेट द प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम विजन और वाजीराम पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल डू इट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज माइंड गेम. सी, दिस कैन नॉट बी टॉट इन एनी क्लास और दिस कैन नॉट बी रिटन इन एनी बुक. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ. विजडम जो सर ने बोला, अगर 500,000 लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं और 15,000 क्वालिफाई करते हैं, व्हाट इज डिफरेंट विद दोस 15,000? देयर आर सर्टेन कीज जो आपको पकड़नी है प्रीलिम्स के लिए. टेस्ट सीरीज इज अ प्रैक्टिस टेस्ट. हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज दे दिया, मार्क्स देख लिए, खत्म. नो, दैट इज नॉट फॉर योर इवेल्युएशन, दैट इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस. व्हाट आई यूज्ड टू डू सर, कि वाजीराम का जब टेस्ट खत्म होता था, मैं घर पे आके खुद उसकी की बनाता था. हाउ डज इट हेल्प यू? इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक अगेन. 1 to 100 क्वेश्चन, 100 टॉपिक्स अगेन यू आर रिवाइजिंग. की में क्या होता है, जो चार ऑप्शन दिए उसके इर्द गिर्द ही पूरा सॉल्यूशन देता है. जब आप गूगल पे पढ़ते यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक अगेन. तो अगर सेम टॉपिक में से कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है, यू ऑलरेडी रिवाइज द थिंग्स. This is how you'll practice for prelims. अगर कहीं पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू गेट ऑप्टिमम आउटपुट आउट ऑफ दैट. लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं न्यूज पेपर पढ़ के. आई नेवर मेड एनी नोट्स. वाई? जब कोचिंग क्लासेस इतना पैसा दे के उनके लोगों को बिठा के न्यूज पेपर में से, पीआईबी में से, पीआरएस में इतना अच्छा मंथली मैगजीन प्रिपेयर करते हैं, व्हाट्स द नीड फॉर मी टू राइट डाउन द सेम थिंग अगेन इन माई नोट्स? उससे बेटर है कि मैं वो मंथली मैगजीन बार बार रिवाइज कर लूं. वाजीराम में एक सिस्टम है, 500 लोगों का क्लास होता है. अगर आपको फ्रंट रो में बैठना है तो यू हैव टू गो 1 आवर अर्ली. सो मैं 1 घंटे पहले जाता था, लेकिन 1 घंटे पहले जाके लोग वहां क्या करते थे, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द थिंग्स जिनके बारे में उनको खुद को पता नहीं होता. व्हाट आई यूज्ड टू डू, पुटिंग ऑन माय हेडफोन, टेकिंग द मंथली मैगजीन एंड गोइंग थ्रू द सेक्शंस 1 by 1. एक साल मंथली मैगजीन को 1 घंटे वहां बैठ के ही रिवाइज किया है, नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट. और इसी हिसाब से प्रीलिम्स के पहले मेरे मंथली मैगजीन 5 बार रिवाइज हो चुके थे. दैट गिव यू द कॉन्फिडेंस टू गो फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. रिवीजन, हर बार क्या होता है, प्रीलिम्स में जाते हैं, एक क्वेश्चन देखा, 2 ऑप्शन पता है, 2 ऑप्शन नहीं पता है. होता है यूपीएससी में, इट्स वेरी कॉमन. 2 ऑप्शन पता है, दैट मीन्स यू हैव रेड दैट टॉपिक. 2 ऑप्शन नहीं पता, दैट मीन्स यू लैक क्लैरिटी ऑन दैट टॉपिक. ये डिलेमा वाले क्वेश्चंस जितने कम, आइदर आपको आता है और नहीं आता है, दैट्स ऑल. जितने ज्यादा क्वेश्चंस में डिलेमा, उतना आपका रिवीजन ज्यादा चाहिए, उतनी आपकी क्लैरिटी कम है. दिस इज सिंपल टेस्ट फॉर चेकिंग आउट कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है. जब भी टेस्ट लेके बैठो, टॉपिक है अगर पढ़ा हुआ है तो यू मस्ट नो एवरीथिंग, अगर नहीं पढ़ा है दैट्स नॉट द इश्यू. सी, यू जस्ट नीड टू स्कोर 60% और 70% इन प्रीलिम्स, सेम थिंग 50% इन मेंस. सो देयर इज नो वन हु कैन क्लियर द 100% सिलेबस ऑफ यूपीएससी. आज तक यूपीएससी जीपीएससी दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद भी, इफ आई एम आस्क्ड समथिंग फ्रॉम मेडिवल इंडिया, आई डोंट नो एनीथिंग. पढ़ा ही नहीं मैंने, स्किप कर दिया. मुझे पता है कि अगर 2 क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, वाई टू इन्वेस्ट सच अ टाइम ऑन दैट, इंस्टेड ऑफ मैं पॉलिटी और इकोनॉमी का रिविजन ना करूं जिसमें से श्योर क्वेश्चन आने, या फिर मैं इकोनॉमी और एनवायरमेंट ना पढ़ू जिसमें से 15-20 क्वेश्चन श्योरली आने. वाई टू वेस्ट सम टाइम ऑन समथिंग विच इज वेरी अनसर्टेन इन एग्जाम. एंड बिलीव मी, जब मैंने मेडिवल छोड़ा, मैं सर के पास गया था, ही माइट नॉट रिमेंबर लेकिन मुझे याद है, मैं बोला सर मेडिवल पढ़ू, बोलते क्वेश्चन पूछते तो नहीं है मेडिवल में, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेडिवल मत पढ़ो, क्वेश्चन आ गए तो. एंड आई अंडरस्टूड सर, समझदार को इशारा काफी है. आई लेफ्ट द पोर्शन एंड 2017 के प्रीलिम्स में 1 भी क्वेश्चन मेडिवल से नहीं है. अब इसको आप लक बोलोगे, बट ये लक तब बना जब मैंने कोई डिसीजन लिया. समझ रहे हो, राइट? तो सी, यूपीएससी
मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा और आज फिर से कह रहा हूं, इट्स जस्ट अ माइंड गेम। चीजों को समझना है. मेंस में अगर मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया तो आई शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है. आपकी जरूरतें आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस चीज में. आई वॉज वेरी श्योर इन माई माइंड कि अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे कोचिंग चाहिए. दैट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड. जब मैंने सोचा कि कोचिंग करना है, वाजीराम में करना है, क्योंकि आई रिसर्च अ लॉट अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तब मैं डिसीजन पे पहुंचा कि वाजीराम में करना है. पता चला कि वहां की फीस 1.5 लाख है, रहने का खर्चा 3-3.5 लाख तो आराम से हो जाएगा. अरे घर में टोटल सेविंग 10,000 से ज्यादा नहीं थी उस टाइम, बट आई सॉ द ड्रीम. करना है, यहीं से करना है. एंड फिर गांव से एक बिजनेसमैन ने बोला कि ठीक है, यू गो टू दिल्ली, यू परस्यू योर ड्रीम, आई विल फाइनेंस योर एक्सपेंडिचर्स. बट ये तब हो पाया जब आई सॉ द ड्रीम विदाउट कंसिडरिंग द सिचुएशंस. इसलिए ओम शांति ओम का एक डायलॉग जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने शिद्दत से चाहा था यूपीएससी को, और जिस दिन दिल्ली में मैंने पैर रखा था उसी दिन मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा. इस मेंटालिटी के साथ, सी होप्स वी कैन डू, हम ड्रीम्स देख सकते हैं, रिजल्ट क्या आना है वो अपने हाथ में नहीं है. तो जब प्रिपेरेशन कर रहे हो और अगर दिमाग में आता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टेल मी वन थिंग, वो आपके हाथ में है क्या? इज दैट इन अवर हैंड, रिजल्ट क्या होगा? नो. व्हाट इज इन अवर हैंड? वर्किंग, गिविंग योर 100% फॉर दिस एग्जाम एंड विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी, दैट इज इन माय हैंड, आई विल डू इट. और अगर इतनी शिद्दत से मेहनत की है 100% देके और फिर भी एग्जाम नहीं होता, बिलीव मी यू वॉन्ट बी डिससेटिस्फाइड, you won't be demotivated, you will feel I gave my 100%, आगे उसकी मर्जी. ये एटीट्यूड के साथ रहना है इस एग्जाम में. मेरी बातें थोड़ी मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं, इंटरव्यू इतने मिनट का होता है. नो, दैट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन इंटरनेट. व्हाट आई वांट टू फोकस इज व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स टू एंटर इनटू दिस फील्ड. इस चक्रव्यूह में उतरने से पहले कौन सी तैयारी आपको करके उतरनी है. And the very first and most important is confidence. मुझे याद है मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था who was a doctor, वो प्रिपेरेशन कर रहा था. जब भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था ना, he was always ready to answer. कोई भी irrespective of the subject, irrespective of the faculty, answer उसके पास ready था. And my friends are, भाई he is so talented, so intelligent, हमसे कैसे हो पाएगा? आई मीन लाइक वाई डू यू जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन हिज ओन पैरामीटर? यूपीएससी में एक वैकेंसी नहीं है, देर आर 1000 वैकेंसीज. अगर वो एक भी लेगा तो 999 है हमारे लिए. वाई टू थिंक अबाउट दैट वन सीट? एंड ही कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ दैट ईयर, इवन 2018 वाला भी. सो अंडरस्टैंड दिस, इट्स नॉट अबाउट योर इंटेलिजेंस, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ वेल यू कैन एक्सप्रेस द थिंग्स. सो अगर मेन्स में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, फैक्ट्स 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 लिख के आ जाओगे, यू विल फील दैट यू वॉन्ट गेट सेलेक्टेड इन एग्जाम, बिकॉज इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. यू हैव टू कनेक्ट द लिंक्स. करंट अफेयर्स में अगर कुछ पूछा है तो उसको बेसिक्स के साथ आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? अगर ज्योग्राफी में कुछ पूछा है तो हिस्ट्री के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हिस्ट्री में कुछ पूछा है तो इसको इकोनॉमिक्स के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? दीज आर द थिंग्स यू नीड टू लर्न इन यूपीएससी. बट इन सारी चीजों के लिए, वेदर यू अपियर फॉर प्रीलिम्स, वेदर यू अपियर फॉर मेंस, और वेदर यू अपियर फॉर इंटरव्यू, वन थिंग इज वेरी मच नीडेड, दैट इज योर कॉन्फिडेंस. और कहां टूटता है यह कॉन्फिडेंस? इफ आई एम रीडिंग करंट अफेयर फॉर विजन IAS और मेरा दोस्त इनसाइट लेके बैठा है, तब मेरे में इनसिक्योरिटी आ गई, यार ये इनसाइट पढ़ रहा है, मैं विजन कर रहा हूं, कहीं छूट गया तो? आपने इनसाइट स्टार्ट किया, फिर कोई नेक्स्ट IAS का लेके आ गया, यू विल फील लाइक यार नेक्स्ट IAS करना पड़ेगा. उसने नेक्स्ट IAS, आपने नेक्स्ट, कोई वाजीराम लेके आ गया, कहां कहां पे भटकेंगे? यू हैव टू स्टिक टू वन रिसोर्स, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस सेम है, हर एक क्लासेस का मटेरियल सेम है,
डिफरेंस कहां आता है कि 10 बुक लोग एक बार पढ़ते हैं, एक बुक आप 10 बार पढ़ रहे हैं। मुझे याद है जब मैं ये एक घंटे में वाजीराम का करंट अफेयर्स पढ़ता था वहां पे बैठ के, एवरीबडी वॉज विथ विजन IAS करंट अफेयर्स, बट आई वॉज वेरी मच क्लियर कि विजन के करंट अफेयर्स से दे कैन क्लियर द प्रीलिम्स, बट मेंस का कंटेंट नहीं मिलेगा। जो मैं पढ़ रहा था दैट वॉज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मेंस, एंड आई कुड लाइक आई कंटिन्यू दिस वाजीराम विदाउट गेटिंग अफेक्टेड वॉट अदर पीपल आर डूइंग। कोचिंग में भी ये सेम होगा, योर क्लासमेट्स विल बी डूइंग समथिंग, यू विल बी डूइंग समथिंग। जब लोग ने लक्ष्मीकांत नहीं किया, आई डिडंट डू लक्ष्मीकांत, आई डिडंट रीड योजना, आई डिडंट रीड कुरुक्षेत्र, बट आई वॉज सो श्योर अबाउट माई माइंड कि इसकी जरूरत नहीं है। योजना में करते क्या है, किसी एक टॉपिक के जितने भी करंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उसको बना के एक पूरा मैगजीन बना दिया। When you are reading the newspaper, when you are watching the Rajya Sabha TV, when you are reading the monthly magazines, जो सारी current affairs को ही cover कर रहा है, तो उसी चीजों को उन्होंने segregate करके अलग दिया है। अब उसमें आप 3 घंटे अलग से waste करो, उससे better है कि वो 3 घंटे उसी चीजों पे डालो जहां पे आपने already पढ़ रखा है। So with minimum material, minimum required material, you have to give your optimum output. मल्टीपल रिसोर्सेज ले जाने का कोई मतलब नहीं है, यू विल बी कंफ्यूज। एंड जो फर्स्ट टाइमर थे उनके लिए बोल रहा हूं कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट योर बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड होता है। क्या होता है, ज्यादा पढ़ के जाते हैं ना जब मेंस में, ये लिखू वो लिखू ये लिखू उसी में कंफ्यूज, उसमें आता ही बहुत लिमिटेड है, लिखना भी लिमिटेड ही है, राइट? सो इट्स अबाउट योर लिमिटेड नॉलेज विथ मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी चीज को आप समझते हैं तो उसको अच्छी तरह से सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए समझ लीजिए, दैट्स ऑल। मैंने जब यूपीएससी के बेस पे जीपीएससी का एग्जाम दिया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1, तो मैंने कोई जीपीएससी के लिए अलग प्रिपरेशन नहीं किया था, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन था उसी के दम पे जीपीएससी का एग्जाम दिया, लेकिन सिलेबस कितना टारगेट किया जो दोनों में कॉमन था। उस कॉमन सिलेबस के बेस पे मैं गुजरात में ऑल गुजरात रैंक 34 ला पाया। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आई डिड माय एंटायर प्रिपरेशन इन इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड इन वाजीराम, विच इज इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन। आई रोट माय मेंस इन गुजराती, एंटायर मेंस विद गुजराती लिटरेचर एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, फॉर विच आई डिडंट प्रिपेयर इन दिल्ली। सी द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटीज, बट देट वॉज वेल डिजाइन अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेंथ एंड माई वीकनेसेस। आई न्यू कि मेरा स्कूलिंग गुजराती मीडियम में हुआ है, द वे आई कैन एक्सप्रेस इन गुजराती आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन इंग्लिश, एंड यूपीएससी मेन्स इज ऑल अबाउट एथिक्स एसे एंड ऑप्शनल इन विच यू हैव टू राइट योर ओन थॉट्स। वाई शुड नॉट आई ज्वाइन गुजराती मीडियम? प्रिपेरेशन इंग्लिश में था, लेकिन वो किस लिए था, टू अंडरस्टैंड समथिंग। वंस यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, यू कैन रिप्रेजेंट इन इंग्लिश एज वेल, गुजराती एज वेल, हिंदी एज वेल। सो मीडियम का तो कोई क्वेश्चन यूपीएससी में कहीं पे भी नहीं आता है, बिलीव मी। इफ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स वेल, यू कैन रिप्रेजेंट इन एनी लैंग्वेज। एंड यूपीएससी डोंट सी योर फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन द लैंग्वेज, इट सीज योर क्लैरिटी एंड द वे यू एक्सप्रेस द थॉट्स। सो नेवर एवर be confused about your medium of exam. Choose the medium जहां पे आपको लगता है कि आप अपना 100% दे सकता है, और अगर फिर भी confusion है, take a essay topic, write down one essay in Marathi or Hindi or whichever language you are confused with, and write the same topic in English, get it evaluated by yourself only, and see where you have given your 100% and optimum output. That is your language which you can choose for the mains. That's all. यूपीएससी में इंटरव्यू इंग्लिश में दे या हिंदी में दे, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते उसी लैंग्वेज में देना है, दैट्स ऑल। सर कितने घंटे पढ़े, 1 टेस्ट। रात को जब सोने जाते हो अपने आप से पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया, वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नेवर एवर गो विद द क्वांटिटी पैरामीटर्स, 2 चैप्टर खत्म करने हैं, 5 चैप्टर खत्म करने हैं, 15 घंटे पढ़ना है, नो, इट्स वेरी मैकेनिकल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। एंड इफ यू एंड वन वेरी वेरी क्लियर थिंग विच द क्लासमेट्स ऑफ माइंड हैव डन द मिस्टेक, नेवर गो फॉर एनी शॉर्टकट, इट विल नेवर हेल्प यू इन यूपीएससी। लोग क्या करेंगे,
मंथली मैगजीन पढ़ेंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और फिर लास्ट दो महीने में दे विल टेक 365. जब पढ़ा है और उसी में से वो मटेरियल बना है, तो जो चीजें पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज करने का क्यों हम नहीं सोचते? When you will read one thing for 5 times, 6 times, believe me, you will get the thorough understanding of that particular topic. But अगर same topic को आप किसी और book में से पढ़ेंगे ना, you will have to start from the scratch. क्योंकि mind की memory जो जिस हिसाब से काम करती है, आपको उस हिसाब से काम लेना है उसके पास से. I have never asked any senior about, sir, इसके लिए कौन सी book पढ़े, इसके लिए क्या करे. हाँ, अगर कहीं डीमोटिवेट होते हैं, कहीं आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, कहीं आपके नेगेटिव मार्क्स कम ज्यादा हो रहे हैं, या फिर प्रीलिम्स में आपका स्कोर कम है, यू कैन डेफिनेटली आस्क देम कि मेरी मिस्टेक कहां पे हो रही है. बट रिक्वायरमेंट हमारी अलग है, तो जरूरतें हमारी अलग है, तो सोर्सेज भी हमारे अलग होंगे. तो मुझे जब लगा, एंड मेरी पूरी प्रिपरेशन मेंस एंड इंटरव्यू ओरिएंटेड ही थी, प्रीलिम्स के ओरिएंटेड मैंने कुछ नहीं पढ़ा. आई नेवर रीड इंडिया ईयरबुक एज वेल, क्योंकि पता है इंडिया ईयरबुक में होता क्या है, करंट अफेयर्स का अपडेशन. वी आर रीडिंग करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन जो लोग हर जगह से उठा के बनाते हैं. व्हाई टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन समथिंग विच इज अ रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन योर अप्रोच. एंड वन थिंग, अगर सिविल सर्विस में जाना है और इस गेम में टिकना है, तो आपका जो इंस्पिरेशन होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम विद इन. आपको आईएएस आईपीएस क्यों बनना है, दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन. और जब भी डीमोटिवेशन जैसा लगे, जब भी लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. अगर कन्विक्शन स्ट्रांग होगा क्यों बनना है, यू विल बी एबल टू स्टे इन दिस गेम. लेकिन अगर पैसों के लिए जाना है, मटीरियलिस्टिक गोल्स लेके जाना है, बिलीव मी, यूपीएससी चेक्स अवर प्रेजेंटेशन, बट गॉड चेक्स अवर इंटेंशन. This is very much clear, which I have felt, which I have seen. With what intentions you want to enter into service matters a lot. If you feel for the downtrodden, if you feel that you want to work for the nation, if you feel that you want to give something to the society, then only come into this service. If you want to make money, join some corporation. So with clear intentions, with clear inspiration, you have to enter into this game. And with lots of confidence. Don't take certificate from others. आज तक लाइफ में हमने यही किया है. अगर किसी मैरिज में भी एकदम बन ठन के गए हैं, लेकिन जब तक सामने वाला मुझे नहीं बोलता, dude, you look good today, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता. Isn't it? We want certificate from others. No. कोई जब तक मुझे आके नहीं बोलता कि तेरे से यूपीएससी हो पाएगा, तब तक मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए नहीं करना चाहिए. या अगर कोई मुझे आके बोल देता है कि भाई 3, 4 साल, 5 साल तो लग ही जाएंगे, तेरे बस की चीज नहीं है, अगेन मैं सोचने बैठ जाता हूं. कुछ लोग तो मेरे गुजरात में तो ये कल्चर है, यहां पर यह कल्चर है नहीं पता, लेकिन सम पीपल थिंक पहले एमपीएससी कर लो, पहले क्लास 3, क्लास 2 कर लो, फिर यूपीएससी के बारे में सोचो. ऐसा है यहां पे? यस और नो? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एमपीएससी जो है, जो क्लास 3, क्लास 2 एग्जाम्स है, उसकी रिक्वायरमेंट यूपीएससी की रिक्वायरमेंट से कंप्लीटली अलग है. अगर एमपीएससी ये पूछता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां बना है, या किसने बनाया है, उसमें कितना केजी गोल्ड यूज हुआ है, या उसका आर्किटेक्ट कौन था, यूपीएससी विल आस्क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होना चाहिए या ना होना चाहिए. These people will ask you, पानीपत का फर्स्ट बैटल कहां पे हुआ था, सेकंड कहां पे हुआ था, थर्ड कहां पे हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, कहां से आए थे. यूपीएससी विल आस्क यू, सारे बैटल्स पानीपत में क्यों हुए थे. सो यूपीएससी इज नेवर अबाउट वेयर, व्हेन एंड व्हाट, इट्स अबाउट हाउ एंड व्हाई. सो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें आपके आसपास आ रही है, आस्क द क्वेश्चन व्हाई एंड आस्क द क्वेश्चन हाउ विदाउट गेटिंग बायस्ड. One thing is very much needed for this service is your critical attitude toward everything without getting influence from anyone and anything. You are not supposed to get influenced by any ideology. You are not supposed to get influenced by any one person.
One thing is your guiding torch throughout this exam and throughout your life should be the Constitution of India and the philosophy of the Constitution of India. No party philosophy required. So, agar koi cheez ho rahi hai, I have only one thing to do. Check the merits, check the demerits, propose the solution. If there is a demonetization, what will be the advantage? What will be the disadvantage? What could have been done and what should be done? That's all. Being an IAS or IPS, you have to do the same. But again, maine jo bola, ki banke jo karna hai, uski training aapki abhi se start ho gayi hai. किसी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में आके या किसी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में आगे अगर आपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड इन दिस एग्जाम. यूपीएससी हैज इट्स ओन चेक्स एंड बैलेंसेस. प्रीलिम्स खत्म कर लिया, मेंस में फिर से होगा. मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू में फिर से होगा. देर आर थ्री स्टेप्स इसीलिए रखे गए ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स आ पाए. एंड इफ यू हैव एनी रिजर्वेशन इन योर माइंड कि अगर मैंने मराठी मीडियम में रह के पढ़ाई की है या मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या मेरी एज ज्यादा हो गई है या मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं उसके साथ में कैसे एग्जाम करूं, हर एक प्रॉब्लम के लिए वी हैव द सॉल्यूशंस एंड वी हैव द एग्जांपल्स जिन्होंने अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन की है. ऑल इंडिया रैंक 2 अनु कुमारी मैडम 1.5 साल 2 साल के लिए अपने 2.5 साल के बच्चे को अपने से दूर रख के प्रिपरेशन किए एट द एज ऑफ 31 एंड शी कुड बिकम द IAS. या यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ उमुल खैर कि जिसको 8वीं क्लास में घर से निकाल दिया ये बोल के कि हमारे घर में बच्चियां 8वीं से ज्यादा नहीं पढ़ती और उसी झोपड़पट्टी में रह के उसने पढ़ाई की, बच्चों को ट्यूशंस दिया, तीन तीन दिन चार चार साल पुरानी रोटियां खाई और उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में से PhD करके फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC में ऑल इंडिया रैंक 400 something लेके आज शी इज डूइंग IRTS की ट्रेनिंग. एंड विद द जेनेटिकल डिसऑर्डर की उसके जो बोन डेंसिटी वो काफी कम है तो आज तक 16 से 17 तो उनके ऑपरेशन हो चुके हैं. डू वी हैव एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस लाइक दिस? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या घर से निकाल दिया गया हो या खुद मजदूरी करके पढ़ना है? नो. देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? ऑल प्रॉब्लम्स आर हियर. अगर मैंने ये सोचा होता कि अब एक्सीडेंट हो गया मेरे से नहीं लिखा जाता, नहीं लिख पाता मैं. मुझे किसी ने पूछ लिया कि सफीन हसन के अचीवमेंट्स इतने हैं, इतना सब कुछ अवे मतलब पा लिया है, व्हाट इज अ फेलियर इन योर लाइफ? एंड आई सेड देयर इज नो फेलियर इन माय लाइफ, देयर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ. इट इफ यू वांट टू मेक इट सक्सेस और फेलियर, इट्स इन योर माइंड. अगर किसी चीज आपके साथ कुछ हुआ उसमें से सीख के आगे बढ़ना का एटीट्यूड आपके पास होगा, UPSC इज ऑल योर्स. So, वही चीज जो कहावत है, डिजर्व बिफोर यू डिजायर. इफ यू वॉन्ट टू बी इन सिविल सर्विस यू हैव टू डिजर्व फॉर दैट. इफ यू वॉन्ट कि आपके घर में फॉर्च्यूनर हो तो पहले फॉर्च्यूनर रखने की जगह होनी चाहिए, इन सिंपल वर्ड्स, राइट? सो इफ यू वॉन्ट टू बी इन सिविल सर्विसेज यू हैव टू डेवलप दैट माइंड सेट. मुझे मेरा अगर UPSC का इंटरव्यू आपको पढ़ना हो तो इट्स अवेलेबल ऑन माय फेसबुक, मेरा फेसबुक अकाउंट पे थोड़ा स्क्रॉल करके अगर जाओगे, इट्स सफीन हसन SAFIN HASN, उसमें अगर आप नीचे जाओगे यू विल फाइंड द PDF जिसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए और उसके क्या आंसर मैंने दिए. एवरीथिंग आई हैव रिटन डाउन. आई वाज आस्क्ड अबाउट इस्लाम, कास्टिज्म इन इस्लाम, व्हाई इट इज स्टिल पर्सिस्टेंट इन इस्लाम, व्हाई देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड अनदर इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ मदरसा सिस्टम, व्हाट इज फतवा, everything from Islam, not because they want to do something, some bias with me or something like that. They just want to check ki agar is insaan ko hum IAS ya IPS ke post pe bidhate hai, whether he will treat the person as a citizen of India or member of any one particular community. And that's why I could score 204 in UPSC interview, because I could satisfy them. And this is not because I could score, this is the requirement of this job. अगर आपको लगता है कि बीइंग मुस्लिम आपके साथ कुछ डिस्टिंग्विश बिहेवियर किया जाता है, मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया, मेरा एक इंटरव्यू है जिंदगी विथ रिचा में जो अंसार भाई का काफी वायरल हुआ था. सेम रिचा अनिरुद्ध ऑल्सो टुक माई इंटरव्यू. शी आस्क्ड मी दिस कि वेन यू बिलोंग टू गुजरात एंड वेन यू आर एन IPS ऑफिसर, कहीं ना कहीं दिमाग में 2002 आता है और उसके बाद आपको कहीं लगा कि बीइंग अ मुस्लिम आपके साथ कहीं पे कोई भेदभाव हुआ है या कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? एंड आई सिंपली सेड नो, आई नेवर फेल्ट लाइक दैट, बिकॉज
मेरे दिमाग में कहीं पे डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. इट्स ऑलवेज हियर. इफ आई ट्रीट पीपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन द रिलीजन और द कास्ट, आई विल सी हाउ पीपल बिहेव विथ मी फ्रॉम दैट एंगल ओनली. But if I am treating everyone equally, if I have no bias in my mind, I will not see biasness or this kind of discrimination anywhere. If you want to enter into this service, this is the first and foremost requirement that you have the secular outlook, secular thinking, and thinking as per the Constitution of India. That's all. So, the jo main deserve before you desire ki baat kar raha hu, wo yahi se shuru hoti hai. एक आईपीएस या आईएएस बनने के बाद आपको जो चीजें करनी है वो आपको यहीं से इम्बाइब करना स्टार्ट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरीवन एंड आस्क इसके लिए क्या करूं उसके लिए क्या करूं. यू हैव द इंटरनेट, फाइंड योर क्वेश्चंस एंड फाइंड योर आंसर्स बाय योरसेल्फ. व्हेन यू विल बिकम एन आईएएस, टेल मी वन थिंग, कलेक्टर का चार्ज मिला आपको, कोई क्वेश्चन आया, यू विल गो टू 10 पीपल एंड आस्क इसमें क्या करना चाहिए. नो, यू हैव टू टेक द डिसीजन एंड एक्ट ऑन दैट. बिग एन आईपीएस आपको कहीं पे मोब हैंडल करने जाना है, यू कैन नॉट आस्क योर सबॉर्डिनेट्स और योर कॉन्स्टेबल भाई इसमें क्या करो. यू हैव टू टेक डिसीजन. दैट डिसीजन मेकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. मैं लक्ष्मीकांत पढ़ू, डीडी बासु पढ़ू, सुभाष कश्यप पढ़ू या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ू, यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. मैं द हिंदू पढ़ू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ू, मुझे जो चीजें ज्यादा समझ में आती है आई रीड दैट थिंग. न्यूज तो सेम ही है, राइट right? मुझे जो चीजें समझ में आती है और यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है, ये दोनों चीजें मुझे ध्यान में रखनी है. सो विद दिस 15 मिनट्स ऑफ कथा, आई विल टेक 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मुझे बताना है, एंड नॉट फॉर यूपीएससी जीपीएससी, फॉर द एंटायर लाइफ, कि जितने भी कंप्लेंट्स आपकी लाइफ में है, मैं यहां से आता हूं, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मैं वो करता हूं, मेरे पास मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, ये सारे हमने अपने आप को दिए हुए एक्सक्यूजेस है. यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ. अगर इंग्लिश नहीं आता है, आई कैन स्टार्ट विद द फिफ्थ स्टैंडर्ड बुक, और फिफ्थ स्टैंडर्ड बुक से भी शुरुआत करने में अगर मुझे अपना ईगो बीच में आ रहा है, देन आई कैन नॉट लर्न इट एट एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ. स्टार्ट विद द फाइव स्टैंडर्ड बुक, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. अगर बोलने में शर्म आती है, अपने मोहल्ले के किसी 3-4 बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, उनको उठाओ और उनके साथ बातें करो. उनको वैसे भी समझ में नहीं आ रहा, अपने को वैसे भी पता है अपन क्या बोल रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर वहां पे भी अगर ईगो बीच में आ रहा है, स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, स्टार्ट स्पीकिंग. मैं 11th 12th में था, मुझे पता था मेरा इंग्लिश कैसा है, फिर भी आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है. अगर किसी मूवी में इंग्लिश डायलॉग सुन लिया, पूरा दिन मेरे दिन, मतलब जहां पर भी कोई भी बात करूंगा मैं, वहां पर वो डायलॉग घुसाऊंगा. दिस एटीट्यूड शुड बी देयर. अगर आज हिस्ट्री में से या एनसीईआरटी से 5 ऐसी चीजें आपने नहीं सीखी है, ट्राई टू थिंक अपॉन दैट, ट्राई टू पॉन्डर ओवर दैट. ये मराठा साम्राज्य वाली जो नोट्स दी थी, ट्राई टू मेक द समरी आउट ऑफ इट, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर टिकना है तो क्या क्या जरूरी है, किसी एम्पायर को अगर बनना है तो क्या क्या जरूरी है, कहां पे उन्होंने मिस्टेक की. दे शुड हैव फोकस ऑन द कंसोलिडेशन रादर देन एक्सपांशन, दे फोकस ऑन द एक्सपांशन रादर देन कंसोलिडेशन, एंड दैट इज वेयर दे मेड द मिस्टेक. Till the time of Akbar, it was same. But later on, that consolidation comes into picture. UPSC may be same hai. Consolidate for your rudd and then go for the expansion. Agar NCERT padhi hai, to usko consolidate karogi, isme se kya nikla. Then go for the Bipin Chandra advanced books. Getting my point? So, अगर आपको भी आपका यूपीएससी का एम्पायर मजबूत बनाना है, देन गो फॉर द कंसोलिडेशन फर्स्ट एंड देन गो फॉर द एक्सपांशन. तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा. यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन. क्योंकि आज तक दुनिया यह मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया. आज भी दुनिया जब यह मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया. आज भी अगर दुनिया यह मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी, जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था. आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान
आंगन में पैदा होना जरूरी है। हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं। अगर आप ये मानते कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है। अगर आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम सिर्फ धरती पे रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्र पे जाके आए, आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब। थैंक यू सो मच। Wow, that was full power. Thank you very much, sir. So I would request all my volunteers to come around, and also we would like to present some Thanksgiving memento to our beloved guests. And also, after this, we would like to open our podium for a question answer round. And just to also let you guys know that when we guys exit, so our volunteers would be standing at the exit gates. So just remove your registration form from the thing that has been provided, fill it up, and while exiting, give it to them. And also, we have provided some tea and coffee at the exit, so you can have that. Okay, so you can just drop your registration form at the registration desk while going. Yep. Okay, so we open the podium for question answers. Can we have the mic for the audience, please? Yes. Anybody who would like to ask any question to any of our guests, please? Hello. Good afternoon, all of you. My name is Shehbaz Mania. So my question to you is, 2013 से जब syllabus change हुआ, तो 13 से 15 तक prelim का pattern अलग था, और 17-18 में pattern अलग था. तो सर, आपका जो attempt है दोनों भी, वो 17 और 18 के है. तो आपने पहले इसका अटेम्प्ट ना देते हुए ये दोनों से कोप अप कैसे किया प्रीलिम्स? मतलब सडन चेंज था पैटर्न में, तो और आपने दोनों भी प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, तो सर प्रीलिम्स के ऊपर थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। थैंक यू। सी 17 और 18 का प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न अलग था, लेकिन वन थिंग इज दैट कि वो सबके लिए अलग था। जो 4 साल से प्रिपरेशन करी है उनके लिए भी, और जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए भी। सो यू हैव टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि जो अनसर्टेनिटी है, दैट इज पार्ट ऑफ यूपीएससी, इट्स अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर इफ यू हैव नोटिस्ड, 17 का मेंस का पैटर्न भी अलग था कंपेयर टू 16। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू अ लेवल प्लेइंग फील्ड। यूपीएससी का ये चीज है कि इट विल ऑलवेज इक्वल द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो सीनियर और फ्रेशर्स के बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए दे गिव दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वन थिंग मेक श्योर, 17 का पेपर पैटर्न अलग था, 18 का तो कंप्लीटली अलग था, 19 का वी डोंट नो कि कैसा होगा। सो योर प्रिपेरेशन शुड नेवर गेट चेंज्ड। आपका जो ट्रैक है जिसमें आप स्टेटिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर रहे हैं, फॉलो द सेम, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग द सेम, एंड वॉट एवर द चेंज विल बी देयर इन यूपीएससी विल बी इक्वल फॉर ऑल। वहां पे आपका जो ऑफिसर वाला एटीट्यूड है, नई चीजों को कॉप अप करना और नए चैलेंजेस को फेस करना, जो आप ऑफिस में बैठ के हर रोज हर घंटे करेंगे, वो यूपीएससी में करना है, राइट? तो पेपर पैटर्न चेंज होगी, दैट विल नॉट मेक दैट इम्पैक्ट जितना आप उसको दिमाग से लेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज फेसिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, हू एवर इज सिटिंग फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। तो पेपर पैटर्न नया हो या आउट ऑफ द बॉक्स हो, इट इज फॉर एवरीवन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था डीकॉलोनाइजेशन ऑफ मलय पेनिनसुला। पीपल गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि इतना कॉर्नर क्वेश्चन क्यों पूछा गया। आई वॉज हैप्पी कि कॉर्नर है, किसी को भी नहीं आता होगा, सो रिलेटिवली आई एम सेफ।
यूपीएससी इज ऑल रिलेटिव, यू नो. तो अगर प्रीलिम्स का पेपर टफ है, सबके लिए टफ है. अगर कॉर्नर से क्वेश्चन पूछे गए, सबके लिए पूछे गए. सो यू शुड नेवर वरी अबाउट व्हाट यूपीएससी विल ब्रिंग टू ऑन योर टेबल. यू शुड ओनली वरी अबाउट हाउ मच यू वॉन्ट टू ईट फ्रॉम दैट, राइट. सो अनप्रेडिक्टेबली इज पार्ट ऑफ द एग्जाम. प्रीलिम्स में भी है, मेन्स में भी है, एंड यूपीएससी इंटरव्यू में तो सबसे ज्यादा है. वाई टू वरी अबाउट दैट विच इज नॉट इन अवर हैंड? वॉट इज इन अवर हैंड? प्रिपेरेशन, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स. गिव योर 100% टू दैट. दैट्स ऑल. क्लियर? या. थैंक यू. थैंक यू. एनी मोर क्वेश्चंस? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी. All right, thank you very much. Okay, we have one more question. We have the question. Yeah. Good afternoon and congratulations, Mr. Safin, what you have achieved in your life. Mera question ye hai ki if I want to make my future generation IAS aur aaj ke main halaat dekhun aur aaj ki cheeze dekhun, तो क्या वो पॉसिबल है वो चीज चेंज होना जो आप लोग बोलते हैं कि यू हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी एंड यू हैव टू थिंक द चेंज द थिंग्स. मैं आप तीनों से कैन यू प्लीज फोकस ऑन दिस आज के हालात. व्हाट डू यू मीन बाय दिस आज के हालात? 5 साल पहले ऐसा हुआ कि माय सन वाज डूइंग साइंस और किसी ने मेरे को बोला, सम वाज वर्किंग विद आईएएस इंस्टीट्यूट, दे वर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स. तो उन्होंने बोला, व्हाई डोंट यू मेक योर सन आईएएस ऑफिसर? तो मैं बोला, आई डोंट वॉन्ट टू मेक माई सन आईएएस ऑफिसर. द रीजन इज कि मैं जो चीज देख रहा हूं, कल अगर वो रिश्वत खाए और कल वो चीज अगर ऊपर से फोन आता है और वो चीज नहीं हो सकी उससे और वो गलत काम करने लगे, तो मैं उसको वो चीज में क्यों डालू? सर, पहले तो मैं कहूंगा कि आपने कहा कि आज के हालात, सर हालात हमेशा ऐसे ही रहे हैं. अगर आप किसी का भी समय लें, किसी बड़े शख्सियत को उठाएं, पैगंबर को उठाएं, तो पैगंबर वो बने ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने हालात का सामना किया. अगर हालात अच्छे होते तो पैगंबरों को आने की जरूरत ही क्या थी सर. अब आपका बेटा ये डिसाइड करेगा. अब देखिए, इन साहब ने इतनी बातें कही, इन्होंने अपनी बातों में आंसर दिया. एक आम आदमी कि पूरी जिंदगी दर्द से भरी हुई है, बस वो आम है. एक महान आदमी की पूरी जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है. ये जो आपने शब्द यूज किया ना, हालात, सर हालात से ही तो लड़े राम. मोहम्मद साहब, आप मोहम्मद साहब का टाइम देखिए, आप मोहम्मद साहब का टाइम देखिए सर. पहली चीज. दूसरी चीज सर ये है कि हालात, अब जैसे मैं तो हिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं तो हमेशा एग्जाम्पल वहीं से उठाता हूं. 1398 तैमूर हिंदुस्तान आता है, तबाही मचाता है, सब कुछ खत्म कर देता है. 1398 से लेके 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, आप समझ लो 150 साल हिंदुस्तान की हालत खराब, सब कुछ तहस नहस. और उस परिस्थिति में सर 1556 में एक 15 साल का लड़का गद्दी पे बैठता है, अकबर. सर हालात देखो आप. हम नाहक में उसे ग्रेट नहीं कहते सर, हम ग्रेट सिर्फ इसलिए कहते हैं कि भाई तुमने इस हालात से तुम निपटे कैसे. एक आदमी कह रहा है, मेरा पड़ोसी मुझे गाली दे रहा है. सबके देते हैं, दुनिया में कौन सा पड़ोसी जो किसी को गाली ना दे? और अगर ऐसा है कोई तो आप बताइए, मैं तो मिलूंगा उस आदमी से. लोग कहते हैं मेरे रिश्तेदार मेरे पीछे पड़े. रिश्तेदारों का काम ही है, और क्या करें वो, कि मेरे खाला ने हमको डिमोरलाइज कर दिया कि इतना बड़ा सपना देख रहे हो आईएएस बनने का. अरे कुछ पहले कर लो, अपने माँ बाप की स्थिति देखो. सर काम ही है सर. फ्रेंड आपका आ गया, उसने कहा अरे यार आईएएस बनने जा रहे हो. अच्छा, ये सीधे हमला कभी नहीं करते, ये इनडायरेक्टली करते हैं. मेरे पास एक लड़की आई 4 दिन पहले, उसने कहा सर मेरे पापा बहुत परेशान है, हमसे करे वापस आ जाओ. मैंने कहा ठीक है, अपने पापा को बोलो मुझसे बात करे. तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ बताइए. तो बोले ऊर्जा साहब हमें बहुत डर लग रहा है. मैंने कहा कैसे बताइए हमें. बोले हमारे पड़ोसी बता रहे थे कि दिल्ली बड़ी ऐसा ऐसा कांड हो गया, बीच में कांड हो गया था, तो काफी फेमस था, एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो गया था, उसकी हत्या हो गई. मैंने कहा सर इंदिरा गांधी मार दी गई सर, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थी, आप खुदा बन रहे हो सर.
बचा लोगे? ले जाओ सर। हिस्ट्री ने जिसको भी ग्रेट कहा, सर 51 साल की कैरियर में उस आदमी ने तौहीद इलाही, आज हम, मैं तो यूपी का हूं, इलाहाबाद का नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया, लेकिन कभी अगर मेरी मुलाकात हमारे ऑनरेबल सीएम से होगी तो मैं उनसे बोलूंगा, सर इलाहाबाद का नाम तो उसने कभी चेंज ही नहीं किया सर, उसने चेंज ही नहीं किया सर। प्रयाग आज भी वहां मौजूद है, प्रयाग स्टेशन, आप कभी इलाहाबाद जाएंगे तो आप देखेंगे वहां दो स्टेशन है, एक इलाहाबाद स्टेशन है, एक प्रयाग स्टेशन है, तो प्रयाग तो वहां आज भी है सर। इलाहाबाद इज अ मीटिंग ग्राउंड, जैसे मैंने आगरा के बारे में आपको बताया, तो इलाहाबाद में दो नदियां आके मिलती हैं, यमुना और गंगा, तो आप पूरी नॉर्दर्न इंडिया उस नदी से कवर कर सकते हो, तो वो बेसिकली एक मिलिट्री बेस है सर। आप कभी इलाहाबाद जाओगे तो आप देखोगे गंगा के किनारे वो किला बना हुआ है, आर्मी स्टेशन है। उसने सर पहली बार हिंदुस्तान में, दूसरी बार, पहली बार हर्षवर्धन ने कराया, उसने सारे संतों की मीटिंग कराई सर। ये जो आज आप कुंभ देखने जा रहे हो, इसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने की। तो सर टैलेंट ही इसी चीज का है, मालिक ने हमें तोहफा दिया, मैंने आपसे कहा मन, तो वो कहता है कि अब ये दे दिया। 1453 मुसलमान दुनिया की ऊंचाई पे, स्पेन, चाइना सी, कैस्पियन, हिंदुस्तान, यहूदी जमीन पे। सर आज आप देखो यहूदी दुनिया में ऊंचाई पे, मुसलमान जमीन पे, क्योंकि एक चीज मिस कर गए वो, कि हमें समय को समझना है सर। यही तो टैलेंट है, यही तो हिस्ट्री, हिस्ट्री मुर्दों को क्यों छेड़ेगी। उमर साहब थे खैलिफ, आप देखो पुराने जितने भी कैलिफों, आप जो आज अमेरिका में डिपार्टमेंट है रॉकफेलर, वो कहां से आया सर? बगदाद से। उस डिपार्टमेंट को किसने बनाया था? कैलिफ अल हारून ने। उस डिपार्टमेंट का नाम था बैतुल हिकमत। दुनिया के सारे विद्वानों को बगदाद बुलाया जाता था। मैंने तो मास्टर ब्लास्टर सचिन का नाम सुना, आज मैंने मास्टर ब्लास्टर सैफिन को देखा सर, आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल बैठा हुआ है सर। यही तो आपने अपने बेटे को गलत मना किया सर। सर मैं माफी चाहता हूं, आपको नहीं करना चाहिए था सर, क्योंकि तब आपको समझ में आता वो टैलेंट जो है ना सर, हो सकता है आपके बेटे के सामने लग जाता द ग्रेट। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं सर, हो सकता है वो बंदा उस चीज, यही तो चुनौती है सर। मैं एक जगह क्लास लेने गया, मैं अब हिस्ट्री मुझे पढ़ाना है सर, तो और मुझे यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ाना है। उन्होंने मुझसे कहा ओजा साहब आपने मुगलों की बड़ी तारीफ कर दी। मैंने कहा सर मैं थोड़ी करता हूं, इतिहास करता है सर। बोले नहीं नहीं आपने कुछ ज्यादा ही कर दी। अरे मैंने कहा किसकी कर दी सर? मुगल मेडिवल इंडिया हमारा, एक कम्युनल दंगा नहीं हुआ सर। एक क्लास में 100 से ज्यादा लोग बैठे, मुझे एक दंगा बता दो जब मध्य मेडिवल इंडिया में कोई दंगा हुआ। हुआ ही नहीं सर। इल्तुतमिश मौलानाओं का एक डेलीगेशन उससे मिलने के लिए आता है, इंप्लीमेंट डेथ और इस्लाम इन हिंदुस्तान, उसका गुरु है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप दिल्ली जाओगे तो देखोगे कुतुब मीनार, वो उसी की है, काकी साहब के नाम पे है, सूफी आदमी। कुतुबुद्दीन ऐबक मिलने गया काकी से, कहा कि सर ये हमारे जो धार्मिक लीडर हैं ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उसने पूछा कि ये जो क्राउन रखे हो सर पे कितने का? कहा 5 करोड़ का। कहा ठीक। और मौलाना साहब? बोले 10 रुपए का। तो एक कांस्टेबल भी कैप पहनता है, एक सब इंस्पेक्टर भी पहनता है, एसपीसीटी भी पहनता है, लेकिन हर कैप की एक वैल्यू है सर। वो वैल्यू उसकी थॉट प्रोसेस को डिफाइन करती है। संत अलग है सर, उनको बीच में मत लाइएगा, वो तो कुछ नहीं पहनते। उसने कहा तो तू 5 करोड़ के हिसाब से सोच, 98% नॉन मुस्लिम, हम 2% हम इन पे शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, यही हमारी ताकत है। अगर तुमने इनके धर्म पे हाथ रखा ये 98 एक हो जाएंगे, और अगर ये 98 एक हो गए मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं तो यूनिटी ऑफ गॉड में बिलीव करता हूं सर। दास था वो, स्लेव। इल्तुतमिश का जीवन स्लेव से शुरू हुआ सर। उसकी बेटी, 50 बेटे थे सर, 50। ग्वालियर में मार हो गया वो। उसने अपने बेटों को खत लिखा कि आओ मेरी मदद करो, कोई नहीं गया, कि मान लो अब्बा वहां मर गए तो यहां दूसरा भाई कब्जा कर लेगा। उसकी बेटी गई सर रजिया, उसने कमांड ली अपने हाथ में, ग्वालियर के राजा को हराया सर, ग्वालियर पे कब्जा किया।
उसने ग्वालियर में अपनी बेटी का राज्याभिषेक कर दिया, 13वीं शताब्दी का मुसलमान। उसने ग्वालियर में, उसने कहा मेरे बाद मेरी बेटी। नहीं सर, ये मास्टर ब्लास्टर हमारा आपसे अभी, आपने शायद सुना नहीं इसको कायदे से। इसने कहा आपको दूसरों को नहीं सुनना सर, आप अपने बेटे को सर फिर से भेजिए, हो सकता है वो भारत को दूसरा अकबर मिल जाए। आज तो सर हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है ना सर। मैंने क्लास में कहा शुरुआत में जब बोल रहा था, मैंने कहा सैफिन से मेरा एक अलग लगाव है, सोच सोच, पढ़ने से कुछ नहीं होता। तोतों को भी सिखाते राम राम, पर कोई तोता आज तक अरहत हुआ नहीं हुआ। मालिक की सबसे बड़ी गिफ्ट यही है सर। तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने साहबजादे से कहें कि आप जो करना चाहें आप करें, दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी सर। मैंने तैफ का एग्जाम्पल दिया था क्लास में, आज दुनिया का दूसरी जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो मोहम्मद साहब की फॉलोवर है सर। चुनौतियों से जो लड़े वो हीरो, और चुनौतियों को जो दर्द कहे वो आम आदमी। सर कुछ और कहें? थैंक यू सर। आई जस्ट एड वन थिंग, ये सबके लिए है, एक्सपीरियंस के लिए भी है। इन एवरी हालात वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, या तो हालात से लड़ना है या हालात से डरना है, यू हैव टू चूज योर ओन। और सेकेंड थिंग, मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा था सर, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा लेकिन आई वॉन्ट टू से दिस पीपल, किसी ने मुझे मैसेज किया कि किसी एक स्टेट में कोई एक सिटी का नाम बदला जा रहा है, आप उस पर क्या कमेंट देंगे? आई सेड जिस दिन तुम्हें उससे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा उस दिन वो भी बंद हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई अंडरस्टूड कि आपकी, आपका जो रेफरेंस है वो वैल्यू सिस्टम पे है। सी सी, देर आर सर्टेन ऑफिसर्स जो आज भी उनकी वैल्यू सिस्टम को लेके चल रहे हैं। ओके, तो केसेस तो होंगे, सिस्टम है, उसके लूपहोल्स है, उसको लोग यूज भी करेंगे। आपका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता अगर आपने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा है। आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी टू एनी सिविल सर्वेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपकी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है जो उनके हाथ में आ गया, देन यू कैन बी प्लेड विथ। सो इफ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट योर रोल, योर जॉब, योर ड्यूटी, एंड यू आर अवेयर कि आपको कहां पे क्या डिसीजन लेना है, नो बडी कैन इंटरफियर इन योर लाइफ, दिस इज वेरी क्लियर। सो अगर उनके साथ कुछ होता भी है, कहीं ये फ्रेम भी करते हैं, लेकिन सत्य है तो जीतेगा। दीज आर सम वैल्यूज विच कैन नेवर बी यू नो मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड। यस, थैंक यू। यस, नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर दिस इज अनूप, मेरा सवाल ओझा सर से है। एक्चुअली सर प्रेजेंटली माई एज इज 28 ईयर्स एंड आई एम वर्किंग इन बैंकिंग, सो इट इज क्वाइट हेक्टिक, आई मीन फ्रॉम 10 to 7। सो सर डू यू थिंक दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर UPSC, बिकॉज आई हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट एंड ऑल्सो आई कांट लीव द जॉब। सो सर प्लीज गाइड अस। बेस कैसा है तुम्हारा बेस? कार चलाना जानते? नो सर। बाइक? बाइक यस। साइकिल? यस। तो अब जब साइकिल चलाते चलाते कभी कभी मोबाइल चेक कर लेते हो कि नहीं? हाँ या ना बताओ, दो में से जो भी ऑप्शन है तुम्हारा। जैसे साइकिल चला रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है साइकिल पे और तुम साइकिल चला रहे हो और फोन आ गया। तुम देखो जैसे जो लोग कार चला रहे हैं। यस वी डू सर। हाँ यू डू, जनरली वी डू इट कि व्हेन वी डेवलप अ कमांड ऑन सर्टेन थिंग्स। एक अटेम्प्ट में निकाला, तुम्हारे पास दो है। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास दो है, अब कैसे? अब देखो कितनी मतलब वो सारी बातें वो कहा ही इन्होंने कहा कि एक तो फाउंडेशन, मैंने शुरू में आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने ये कहा कि IAS का एग्जाम बहुत इजी है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा इस क्वेश्चन पे मैं आपको इनाम दूंगा, आप में से अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि सिंधिया ने होलकर से ही दुश्मनी क्यों की, और ना आप में से किसी ने पूछा। मैं बताता हूं और इनाम का क्वेश्चन है सर। हाँ जी बताएं।
सर मैंने आई थिंक कहीं पढ़ा था वो पानीपत से होलकर बाकी आए थे, मतलब विश्वास राव को छोड़ के आए थे शायद, ये पढ़ा था मैंने, शायद ये रीजन हो सकता है। ठीक ठीक, और कोई? अब देखिए यही सोचने की बात है, ग्वालियर और इंदौर मालवा को जो रीजन है ना वो ओपियम कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है, अफीम। ईस्ट इंडिया कंपनी उस अफीम को सबसे ज्यादा बेच रही थी चाइना में, जैसे आज तेल अमेरिका के लिए है ऐसे अफीम थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इनके पास इतना सोना नहीं था, और चीनी जो है चाइनीज ये किसी भी अपने गुड्स को सिर्फ सोने में बेचते थे, सोने के अलावा किसी में देते ही नहीं थे, कहते थे सोना लाओ कुछ और, कुछ और किसी में देना ही नहीं, और इनको अपना सोना बचाना है। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने चीन में अफीम का व्यापार शुरू किया, लोग वहां के, इसीलिए चीन की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे उसमें ओपियम वॉर शब्द आएगा आपके पास। और ये मालवा और का जो रीजन है ये कितनी सारी नदियां, बेन, बेतवा, केन, ये सारी नदियों का इलाका, फर्टाइल लैंड, हाईलैंड। यहां का टेम्परेचर बड़ा प्यारा है, हाई, थोड़ा सा हाईलैंड है तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा नॉर्मल है, ओपियम पैदा होने के लिए बड़ा सूटेबल है। तो अब जिसका भी मालवा पे कब्जा होगा उसका ओपियम की खेती पे कब्जा होगा, और जिसका भी ओपियम की खेती पे कब्जा होगा उसके पास पैसा ज्यादा आएगा। आप, मैंने क्या कहा, आपने शायद, मैंने जितनी बातें जो आपसे कही हैं, सर जोड़ो, सर दिमाग का इस्तेमाल करो, ये दिमाग किसी के में लगाने के लिए बिल्कुल नहीं मिला। दुनिया का सबसे बड़ा कुफ्र है इस्लाम के जो सिद्धांत हैं बेसिकली, वो लगभग सारे धर्मों के सिद्धांत हैं। काफिर, अकबर ने सवाल किया अपने गुरु से अब्दुल लतीफ से, काफिर कौन? उसने कहा नमाज पढ़ोगे जब, तो जो नमाज पढ़ना, असर की पढ़ना, फजर की पढ़ना, जब भी पढ़ना पांचों में से मुझे बताना, नमाज पढ़ के मेरे पास आना सीधे, तब मैं बताऊंगा काफिर कौन। तो लड़का सुबह का तो नहीं पढ़ पाया, तो शाम की जब नमाज उसने अदा की तो अपने गुरु से मिलने गया, कहा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं। बोले कायदे से पढ़ी? बोले हां। तो बोले ईमानदारी से बताना कि जब नमाज सजदा कर रहे थे तो सिर्फ मालिक का ख्याल था? उसने कहा ये ना पूछे, ये ना बता पाऊंगा। बोले नहीं बताना पड़ेगा तभी मैं तुमको जवाब दूंगा। तो ना ख्याल तो मेरा मीना बाजार का था कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां वहां घूम रही होंगी और मैं भी चला जाऊं वहीं। तो अब्दुल लतीफ ने कहा जो अफाक में गुम है वो काफिर है। गुम, जीवन संसार में तो रहना है। अब्दुल लतीफ ने कहा जो अफाक में गुम है, अफाक, आप सजदा करने गए, मेरे दोस्त ने दानिश फिरोज शमसी जुमे की नमाज पढ़ने आते, पांच मिनट रुको आ रहा हूं। मैं कहता जा ही क्यों रहे, तुम मालिक के पास जा रहे हो, सजदा करने जल्दी में क्यों जा रहे हो? हम प्रधानमंत्री से मिलने गए, अब मैं निकलूंगा उसकी ही मर्जी से क्योंकि वो मालिक है देश, मैं उससे ये थोड़ी कह सकता हूं मैं जा रहा हूं भाई साहब। वो कहकर बैठे हो मारे बैठ, मास्टर कहां जा रहा है? जब तुम मालिक से मिलने जा रहे हो, नमाज पढ़ने जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, सर ये देखो हजार रुपए का फोन लेके चलते हैं क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। काफिर ज्यादा हो गए किसकी वजह से? फेसबुक की वजह से। काफिर ज्यादा हो, ये दुनिया में जो आप उथल पुथल देख रहे हो किसकी वजह से? काफिर, काफिर का मतलब क्या? जिसका दिमाग मालिक के साथ भी नहीं एक है। कम से कम आप किसी बड़े आदमी के सामने बैठे तो उसके ऊपर ध्यान लगाइए। आप नमाज पढ़ने के धीरे से मोबाइल निकाल के देख रहे हैं, अगल बगल आप देख रहे हो कोई देख तो रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? आप देखिए मेरी वाइफ के पास 1,00,000 रुपए का फोन, कहती अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा सवाल अच्छे का नहीं है, सवाल दिमाग का है, बात ही तो करनी है। आपके पास 2 अटेम्प्ट है सर जी, एनसी आप पढ़िए बैंक में, कोई बात नहीं। आप हमें हमारा जो एक प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, इकरा शुरू करेगी,
वो जो टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं 60 टेस्ट 60, 1000 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, हिस्ट्री में 1000, पूरी हिस्ट्री आपको क्लास में रिपीट कराएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देकर डिस्कस कराएंगे। और इन्होंने क्या कहा, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन के चारों तरफ भी देख ही लीजिए। तो हमने इसमें लिखा है बुक में, बुकलेट में आपने देखा होगा 1:4 का फॉर्मूला। हम एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, इन्होंने कहा कि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप की देखते हो, की में तो सिर्फ एक आंसर दिया है ना, तो आप उसके अगल बगल की चीजों से बच गए। हम यहां वही करेंगे, हम उस एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अगल बगल जितनी भी चीजें, हमने यहां बुद्ध की प्रतिमा लगाई इसलिए नहीं कि हम बुद्धिस्ट हैं, यहां इतने महान लोगों की फोटो लगी हुई है, एक और रख दी हमने। आपने गौर किया, आपने में से किसी ने नहीं पूछा कि साहब ये बताइए आप तीनों में से बुद्धिस्ट कौन है। हमने जानते क्यों लगाई, क्योंकि ये दुनिया का पहला पैगंबर है जो रैशनलिज्म की बात करता है, ये दुनिया का पहला पैगंबर है रैशनलिज्म। आदमी है मुझे अल्लाह है कि नहीं है, क्या करोगे जान के, प्रॉब्लम बताओ, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, हाँ ये बोलो ना चले आए, वो है या नहीं है तो एक अलग सवाल है। इतनी बड़ी कायनात, इनामदार साहब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे, उनको हटा दो ये चलेगा, तो ये तो सवाल ही नहीं कि हम उस पर चर्चा करें। इनामदार साहब हैं, मालिक है यहां के, राजा हैं यहां, चला रहे ना, मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप कह रहे आप बताओ इनामदार साहब दुनिया है कि नहीं है, भाई इतनी बड़ी चीज कैसे चलेगी, कोई तो चलाएगा, उस पे तो सवाल ही नहीं। लेकिन पहले आप ये देखो क्यों ढूंढ रहे हो, सर हम चाहते हैं मेरा लड़का डॉक्टर हो जाए, तो उसको क्यों ढूंढ रहे हो, नहीं वो आशीर्वाद, आशीर्वाद सबको देता है दुनिया, आप एक अपराधी से नफरत करते हो वो नहीं करता, वो सबको हमेशा देता रहता है, लेकिन कौन ले रहा है ये तो फर्क, ये सबसे बड़ी चीज, ले कौन रहा है। उमर साहब कैलिफ, उमर कैलिफ, बगदाद के कैलिफ, अभी सर ने हमारे कहा आज के हालात, गांव का प्रधान पिजारो से चल रहा है, बुलारो से चल रहा है, फॉर्चुनर से चल रहा है, कैलिफ उमर बगदाद के कैलिफ, ईद मनाने का पैसा नहीं, अपने खजानजी से कहते हैं कि यार कुछ पैसे दे दो बच्चों के लिए कपड़े ले लूं, अगले महीने की तनख्वाह में वापस कर दूंगा। खजानजी और तेज था, उसने कहा लिख के गारंटी दे दो कि अगले महीने जिंदा रहोगे। जब वैसे राजा थे तो लोग खुश थे, और इस देश में हालात बनाए किसने, हमने, डेमोक्रेसी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। अगर आपको अभी पता चल जाए कि मेरे ऊपर हत्या के 20 केस चल रहे, आप सब उठ के चले जाओगे, इस आदमी से कुछ सुनना ही नहीं। आप जब मेरे क्लास, मेरे सामने से उठ के जा रहे हो कि हत्यारा है, हम इससे कुछ नहीं सुनेंगे, सर ऐसे आदमी को संसद में क्यों बिठाते हो, हाथ में तो आपसे आके कह देता है मुसलमान खतरे में है मैं बचाऊंगा, आपसे आके कह देता है मंदिर बनाने जा रहे हैं, बनाओ भाई मंदिर मस्जिद में कोई दिक्कत, बना लो भैया बना लो, हम कहां मना कर रहे हैं, एकदम बनाइए सर, हमें तो उस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। लेकिन ये बताओ सर हमारे बच्चों को नौकरी कैसे दिलाओगे, मंदिर बना लो, नीचे मंदिर बना लो, ऊपर मस्जिद बना लो, फिर ऊपर गिरजाघर बना लो, सब बना लो सर, मेरी जमीन में बना लो सर। लेकिन सर ये बता दो कि हमारे ये जो बच्चा एमसीए करके बैठा है 4 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, इसको नौकरी कैसे दोगे सर, ये तो आप पूछते नहीं नेताओं से। फिर आप कहते हो हालात, अब इस देश के हालात को आप ही लोग बदलोगे, फिर आपकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, फिर उसमें से आप में से कोई निकलेगा सैफिन द ग्रेट, समझदार आदमी। तो वो जो हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे कोई वीकेंड का प्रोग्राम है उसका पूरा मोटिव यही है कि हम 4-5 महीने में आपको पूरी चीज रिवाइज करा दें, पढ़ा दें और रिवाइज करा दें। तो
वो इस इकरा को यहाँ आने का सबसे मेन थी, यहाँ कोचिंग बहुत है, टीचर बहुत हैं और सब अच्छे हैं, ना तो कोई टीचर बुरा होता है ना कोई कोचिंग बुरी होती है, तो साहब आप लोग क्यों आए? हम खेलने नहीं आए सर, और ना खेलने सिखाने आए हैं, हम जीतने का सिद्धांत जानते हैं सर। खिलाड़ी तो यहां बहुत है, कोच यहां बहुत है, हम सर जानते हैं जीतने का फॉर्मूला। वो आपसे शेयर करने आए, इन्होंने कहा ना कंसोलिडेशन, आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस शब्द पे। 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी, जनाब ने पीछे से क्वेश्चन किया था, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे कब्जा, हड़बड़ाई नहीं, पहले बंगाल पे कंसोलिडेट किया, सी इज इक्वल टू सी, कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन। मराठा खाए जा रहे, 2 किलो चिकन खा गए, 3 किलो मटन खा गए, खाए जा रहे, भाई हजम भी तो कर ले, फिर बोले डिसेंट्री हो गई, होनी थी। अंग्रेजों ने खाया, हजम किया, जिम गए, एक्सरसाइज किया, 100 साल में पूरे देश पे कब्जा कर लिया। इसलिए मैंने आपसे शुरू ही किया यहां से बोलने के लिए, पहली चीज मैंने आपसे कहा कहानियां हैं समझना है, दूसरी चीज मैंने आपसे कहा दिशा डायरेक्शन, सारा खेल डायरेक्शन, तीसरी बात मैंने आपसे कहा लड़ना है, मजा लो लड़ाई का, रो नहीं सकते, आप रो नहीं सकते, जिसको भी लड़ाई का मजा आ गया। मेरे मामा जी ने मुझसे कहा अरे बड़े बड़े सपने देख रहे हो, कुछ नहीं करोगे, एक दुकान खोल लो गांव में, खाओगे नहीं तो भूखों मरोगे। मैंने कहा भूखों नहीं मरेंगे, आपका जो धन है उसको लूटेंगे, पर ऐसी बातें मत कहा करो। फिर उन्होंने मेरी माता जी से कहा बहुत बदतमीज लड़का है। सर बदतमीजी आप कर रहे हैं, एक तो आप अपने आप को मेरा अपना कहते हैं, मां प्लस मां जिसमें 2 माँ लगा हुआ है, जो डबल मां लिए हुए वो अपने बच्चे को डिमोरलाइज कर सकता है। आप ये कहो कि बेटा और मेहनत करो, उठो आगे बढ़ो, ऐसे नहीं होगा, आप करो कुछ नहीं करवाओगे, दुकान खोल लो। तो जब आपने शुरुआत की तो मैंने आपको जवाब दिया, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। तो पूरा ये खेल है सर, ये सिर्फ एक खेल है। मतलब लास्ट में इन्होंने जो कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप गरीब होके पैसा नहीं कमा सकते तो आप धीरू भाई अंबानी को नहीं जानते, क्या बात है, आप क्यों सोचते हैं सर ऐसा? इन्होंने कहा क्या मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, ये फैजल साहब खड़े मेरे घर में जाते हैं, मैं अपने घर से बेघर हूं, मेरे घर में मेरा बर्तन अलग है, अब ब्राह्मण घर में गलती से पैदा हो गया, वो कहीं अफगानिस्तान वगैरह में पैदा होना चाहिए था मुझे, और गोश्त का मैं शौकीन हूं, तो उन्होंने मेरे बर्तन अलग कर रखे। मेरी माता जी आती चेक करती कि कहीं इसमें ना खा ले, ये कोई कौन सी डिस्क्रिमिनेशन, किस बात की? और जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, आप पूछिए सामने बैठे, मैं अपने स्टूडेंटों से कहता हूं मुझसे 2 बात कभी मत बताना, एक अपना नाम और एक तुम्हारे फादर क्या करते हैं, कुछ भी करते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है सबको हेल्प करना। आपके फादर इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो भी मैं करूंगा, आपके फादर चपरासी हैं तो भी मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। तो आप ठीक है, और फिर लास्ट अंतिम बात, आप जो है एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो कि वहां से चढ़ के ऊंचाई से दुनिया देखेंगे मजा लेंगे, लेकिन सर हर मजे के साथ एक खतरा है, तो एवरेस्ट में चढ़ने पर एवलांच का खतरा है। आप कह रहे साहब हम खतरा नहीं लेंगे, तो अरावली पे चढ़ जाओ। कौन बोला सपना देखने के लिए आपको? आप सपना भी देखते हो, हमारा काम क्या है? हम ये नहीं कहने आए अरे भैया कोई दर्द नहीं होगा, हम आपको आईएएस बनाने आए,
ऐसे उल्टी सीधी बातें हम नहीं करने आए। दर्द होगा, हम पता है क्या बताएंगे आपको कि इस दर्द का मजा कैसे लेना है। आपको सब दर्द हो रहा है, उठो और नाचे, बस नाचते नाचते हो जाएगा आपका काम। और यही काम है कोच का, यही काम है कोचिंग का। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। और लास्टली मैं चाहूंगा कि हमारी एक टीम है पुणे की, इकरा की टीम है, जिन्होंने पिछले एक महीने में इतनी मदद की। अशरफ साहब हमारे कहाँ बैठे हुए, सामने बैठे हुए हैं, आइए। उसके बाद एक मिनट पहले वो अशरफ साहब मोमेंटो दे दें, मोमेंटो दे दें, फिर मैं आपको इनकी अम्मी अब्बू से मिलाना चाहता हूँ कि आप वो आए, वो भी आए यहाँ पे। फिर मैं चाहता हूँ लास्टली मेरी टीम आ जाए, मैं एक बार आपको मिलाऊं कि देखिए साहब इन लोगों ने इतनी मेहनत, 24 घंटे से कुछ लोग हैं जो सोए नहीं है, उसमें से आराकान एक साहब इधर ही है। तो मोमेंटो आप दे दें, मेरा कैमरा तो ले लूंगा। तो मैं चाहता हूं कि सैफिन साहब खुद अपनी अम्मी अब्बू को बुलाएं। यहां पे जो पेरेंट्स बैठे हैं उनके लिए एक मैसेज ये है कि अगर मेरी सक्सेस में मेरे मॉम डैड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई है, सी हर एक माँ बाप अपने बेटे बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मेहनत करता है, अपनी जी जान से मेहनत करता है, लेकिन एक चीज उन्होंने जो स्पेशल की वो ये है, दे गिव मी द फ्रीडम टू ड्रीम। तुझे जो करना है जैसे करना है, यू डू, वी आर विथ यू। और ये सेंस ऑफ फ्रीडम आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है, और वही चीज इन्होंने की। अगर उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या ये बनना है वो बनना है। जब मैंने उनको बोला कि मुझे ऑफिसर बनना है, यस यू गो एंड डू इट। जब NIT में होने के बावजूद मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया, मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं एक भी बार, जब जाके जब रिस्क लिया एक साल UPSC प्रिपरेशन का, जब घर के हालात ऐसे थे, जब ज्यादा मजदूरी करनी पड़ती, फिर भी दे नेवर सेड कि ओके जस्ट गो एंड स्टडी, गो एंड गेट सम जॉब जिससे फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। नो, दे सेड ओके यू वांट टू डू UPSC, जस्ट गो एंड डू UPSC। दैट इज वेयर प्रोबेबली आई गॉट दैट फ्रीडम, एंड दैट्स व्हाई आई कुड परस्यू माई ड्रीम सो फ्रीली। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मम्मी पापा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। लास्टली मैं चाहूंगा कि मेरी टीम, अशरफ साहब, अरकान और बाकी लोग, उबैद साहब और दो तीन लोगों का तो मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं आप सब लोग आ जाए। रियाज भाई हमारे, वो तो मतलब
सो मच. तो मैं लास्टली सबको पूना के सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ. आपने बड़ा सहयोग किया और आप आए बैठे इतनी देर, तो थैंक्स अ लॉट. So guys, we end this session with a national anthem. So I request all of you to please stand. Thank you. Thank you very much, all of you. So, this seminar for today ends here. And please, I request all of you to please go for refreshments outside and also submit the registration form at the registration desk. Thank you. My name is Upendra Dhavale. Thank you.